नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पोको M4 5G वर्सेस पोको M5 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M4 5G में 200 ग्राम जबकि पोको M5 में 201 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन M4 5G में 1080x2400 और पोको M5 में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों फोन में सेम ही 83.92% है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M4 5G में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि पोको M5 में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M4 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और पोको M5 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो M4 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और पोको M5 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो M4 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और पोको M5 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 7 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M4 5G में MediaTek Dimensity 700MT6833 और Poco M5 में MediaTek Helio G99 मिलता है। बात करें RAM की तो M4 5G में 6GB की RAM मिलती है, जबकि Poco M5 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो M4 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि पोको M5 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M4 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोको M5 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस में मिलते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो पोको M4 5G में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको M5 की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A76 है, दूसरा टेक्नो स्पार्क 9 है, तीसरा टेक्नो स्पार्क 8C है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Nord CE2 Lite 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।